पंकजा मुंडे को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो रही है। वहीं इस मामले में एक नया ट्विस्ट भी आ गया है। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि ठेके भले ही पंकजा मुंडे ने बांटे हों, लेकिन गड़बड़ी तो कांग्रेसी नेताओं ने की थी। महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे को बिना टेंडर के 206 करोड़ रुपए का ठेका जारी करने के मामले में कांग्रेस लगातार घेर रही है, लेकिन अब इस घोटाले के तार कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं। नए खुलासे के मुताबिक पंकजा मुंडे के मंत्रालय ने एक दिन में जो 206 करोड़ रुपए का ठेका बांटा था, उसमें 114 करोड़ का ठेका सिंधुदुर्ग की महिला कांग्रेस नेता के एनजीओ को मिला था। सिंधुदुर्ग की महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदन्या परब सूर्यकांता महिला औद्योगिक सहकारी संस्था चलाती हैं। अब बीजेपी कह रही है कि घटिया सामान की सप्लाई का काम किसी और ने नहीं, कांग्रेसियों ने ही किया है। ठेका मिला वो तो कांग्रेसी थे ही, लेकिन उन्होंने जो काम उनको दिया था उसमें भी धोखाधड़ी की और बच्चों को देने वाली जो मिठाइयां हैं उसमें धांधली की, उसमें बिलो स्टैंडर्ड का काम किया। उधर कांग्रेस इसे घोटाले से ध्यान बटाने की नई साजिश करार दे रही है। बीजेपी वाले जो पूरा ध्यान डिफ्लेक्ट करते हैं वो शुरू हो गया। ये जो दलाल टाइप के लोग होते हैं और जो एजेंसी चलाते हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, वो किसी के नहीं होते, और अगर कोई है कांग्रेस के बैकग्राउंड का तो उसको तत्काल हैंग करो। आपका भ्रष्टाचार है, पहले ओन करना सीखो, उसकी जांच कराओ और अपने पाप से बचने के लिए कांग्रेस की तरफ ध्यान मत बटाओ। कांग्रेस अब पूरे घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो एनसीपी कह रही है कि इसकी जल्द न्यायिक जांच हो। उनको इस मामले में अगर कहीं घपला हुआ है, कहीं पैसों का दुरुपयोग हुआ है, कहीं पॉलिटिकल ऑफिस का मिसयूज हुआ है, तो उसकी जांच पड़ताल एक बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से किसी फॉर्मर जज के जरिए करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी महाराष्ट्र की जनता को पता चले कि किसने गलती की है। सत्य प्रकाश के साथ अभिषेक शर्मा, मुंबई इंडिया न्यूज। वक्त हो गया एक ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ फौरन होंगे हाजिर।